हाँ। बेनीगंज की पूजा रानी किन्नर, उसके साथ हम रहते थे, ढोलक बजाते थे उसके पास में, तो ढोलक बजाते थे उनके पास रहे बस से सब कुछ। फिर वहाँ मेरी लड़ाई हो गई थी किन्नर से, तो हम वहाँ से भाग आए थे अपने घर पे। ये लोग मुझे पोट के बुला लाए थे मेरे घर से, फिर इन लोगों ने ला के जाना कौन सी गुस्सा मुझे अपनी तरह इन लोगों ने बना लिया, मेरे जिस्म से लिंग हटवा दिया। कोशिश की तो मुझे बंदी बनाया गया था, इनके पास दुनिया के औजार भी थे, तो इसलिए हम निकल नहीं पाए। जब निकले तो अपने घर पे आए, घर पे आए तो मैंने दरख्वास्त दी अपने पति को। आज कार्यालय में एक युवक यहाँ उपस्थित होकर के उसने बताया कि वो शादीशुदा व्यक्ति है, उसका एक बच्चा भी है, और लेकिन 3 सालों से वो किन्नरों के संपर्क में रह रहा था, और आज उसने यहाँ प्रस्तुत होकर के प्रार्थना पत्र ये दिया है कि किन्नरों ने उसे शराब पिला करके उसका अंग भंग कर दिया। इस प्रार्थना पत्र पे जांच कराने के लिए कह दिया गया है, और ये कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट जैसे ही आती है और यदि प्रार्थी की बात सही साबित होती है तो उसमें सुसंगत धारा में मुकदमा कायम करके अग्रिम कार्रवाई की जाए।